स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों हमारी जो आज की ये जानकारी है वो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा। हम आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया स्पेशली व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो लॉकडाउन है उसके चलते मोदी सरकार युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दे रही है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और वो भी बिना किसी फीस के। और साथियों इसी प्रकार का ये मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे तेजी से फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। और साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते काफी लोग घरों में बेरोजगार बैठे हैं, तो वो इस फ्री वाले फॉर्म को भर भी रहे हैं ताकि उन्हें ये बेरोजगारी भत्ता मिल सके, जिसके लिए इस मैसेज पर आपको एक लिंक दिया गया है। उस पर क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट ओपन होती है वहां आपसे डिटेल पूछी जाती है और जो लोग इस डिटेल को फिल कर देते हैं उन्हें साइबर क्राइम का शिकार बना लिया जाता है। भत्ता जमा होने के नाम पर उनसे उनके अकाउंट की डिटेल, पासवर्ड या फिर कई जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो लेकर उनके अकाउंट से उनका सारा पैसा ले लिया जा रहा है। तो साथियों ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ही एक मैसेज मेरे क्लाइंट के पास भी आया था जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और जब उनके कहने पर हमने इस मामले की पड़ताल की तो ट्विटर हैंडल पर हमें साइबर दोस्त नाम का एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल वेरिफाइड अकाउंट मिला, जिस पर एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ये बिल्कुल फेक है। आप स्क्रीन पर भी इसे देख सकते हैं, ये एक धोखाधड़ी का तरीका है। सरकार ने ऐसी कोई भी स्कीम लागू नहीं की है और इसमें ये भी बताया गया है कि इस फेक न्यूज का फायदा उठाकर फर्जी रोजगार भत्ता के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। तो साथियों अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो न्यूज है वो पूरी तरह से फेक है और ऐसे किसी भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन पर आपको भरोसा नहीं करना है आंख बंद करके, और उस पर जो लिंक दिया जा रहा है उस पर क्लिक करके आपको अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा एक और अपील करते हैं आपसे कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि सभी लोग इस बारे में अवेयर हो सके कि अगर उनके पास भी व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेज आता है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उस पर वो भरोसा ना करें, वो सतर्क रहें और अपने आप को इस तरह के साइबर क्राइम से बचा कर रखें। और अगर किसी भी कारण से उनके पास कोई अनजान कॉल या मैसेज या ईमेल आता है तो उसका जवाब ना दें। स्पेशली अपनी पर्सनल डिटेल तो किसी के साथ भी शेयर ना करें, बैंक डिटेल तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अगर व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आता है तो बिना कंफर्म किए उसे आगे फॉरवर्ड मत कीजिएगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसी ही नई नई कानूनी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।